कार। अब नेक्स्ट जो हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो भी टॉपिक ऑन डिमांड है, और आगमन और निगमन तर्क की डिमांड की गई थी। तो इससे आप आगमन और निगमन विधि भी समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तर्क की बात करेंगे। तो कहेंगे तर्क क्या है? तो जनरली कहते हैं अरे बहुत जुबान लड़ाता है, बहुत ज़्यादा तर्क करता है, कहे तर्क शास्त्रीय, अर्थात अपनी बात मनवाने के लिए चीज़ें प्रस्तुत करना, कोई सेंटेंस ऐसा प्रस्तुत करना कि आपकी बातों को लोग सत्य माने, एक आर्गुमेंट देना ही तर्क होता है। और यहाँ हम आज देखेंगे कि जो दो तर्क हमको पता है आगमन और निगमन वो क्या होते हैं। तो पहले तो हम जनरली आपको जिस विधि से पढ़ाएंगे आप लास्ट में आइडेंटिफाई करेगा कि मैंने किस तर्क या किस मेथड से आपको पढ़ाया। तो यहाँ हम आगमन और निगमन तर्क के बारे में जानेंगे। तो पहले बात करेंगे कि इसके जो प्रतिपादक हैं, तो वैसे तो हम लोग दोनों को अरस्तु ही जानते हैं, लेकिन ये बेकन, जब तर्क की बात करेंगे तो बेकन का नाम आएगा आपका। तो बेकन ने इसको दिया हुआ है, और यहाँ पर निगमन तर्क किसने दिया है? अरस्तु ने। अब जब तर्क की बात आ रही है तो कैसे हम बताएंगे कोई बात कैसे रखी जाए? तो इसमें दो चीज़ें होते हैं, एक आपकी आधार वाक्य, दूसरा होता है निष्कर्ष। तो आधार वाक्य में दो से तीन, मतलब मिनिमम दो तीन आप कर सकते हैं, और निष्कर्ष एक होता है आपका। हम क्या करते हैं, आपको एक ऐसे बेस लाइन देते हैं जिसके बाद आप कंक्लूज़न पे निकलते हैं। तो ये हमारा रीजनिंग का मेथड होता है कि कैसे हम किसी प्रश्न को किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से प्रस्तुत हो रहा है। तो जब आगमन की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले क्या होता है, हम अवलोकन करते हैं, पैटर्न बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब पैटर्न हमने बना दिया अवलोकन के पश्चात, इसके बाद हम यहाँ पे एक परिकल्पना, फिर हम सिद्धांत पे आते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है, हम पहले सिद्धांत बताते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं उसकी परिकल्पना, फिर अवलोकन, फिर क्या होता है हम कंक्लूजन पे आते हैं या निष्कर्ष निकालते, ठीक है। तो देख रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे कि यहाँ पे ये पहले आ रहा और ये बाद में, यहाँ पे ये बाद में आ रहा और ये पहले। तो आप देख रहे हैं कुछ आपको उलट पुलट दिखेगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट से तात्पर्य जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये घटेगा, अर्थात जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, अगर एक ही पैटर्न पे हम रखें। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या होता है आगमन और क्या होता है निगमन तर्क। अब जैसे हम बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो आपका ये होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत, और दूसरा क्या होता है वीक, ठीक है, अर्थात कमज़ोर, और ये क्या होता है आपका वैलिड, वैध और अनवैलिड, मतलब अवैध। अब देख रहे हैं या तो बहुत मजबूत होगा या तो कमज़ोर, अर्थात यहाँ क्या होती है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, कोई चीज़ हो सकती है। जितना ज़्यादा आपके पास आधार वाक्य होगा उतना ज़्यादा हम निष्कर्ष के नज़दीक जाएंगे। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपका सर्टेनिटी होती है, निश्चितता होती है। दूसरा जो आपका पॉइंट है कि ये प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, और ये क्या होता है आपका निश्चित होता है, सर्टेन होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम समझेंगे कि आगमन तर्क क्या है, निगमन तर्क क्या। जैसे आपका लिखा है 4, 8, 12, पूछ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक, तो आपको दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन आप करेंगे। जैसे आपका पहला क्या था, अवलोकन करना, ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं पैटर्न बनाते, देखते हैं संरचना कैसी है, देखा हमने 4, 8, 12, फिर संरचना कैसी है, फिर क्या एक परिकल्पना बनाते हैं कि क्या हो सकता है ये 4 × 8 = 12, तो ये पूछ रहा है तो क्या होगा, फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं या जो सिद्धांत है या जो आपका आंसर है, कंक्लूजन है। जैसे आधार वाक्य आपका दिया गया ये, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ होगा 4 × 16, ठीक।
दूसरा टर्म जो मैंने कहा ये प्रायिकता होती है, जैसे अब देखिए ज़्यादा आपका आधार वाक्य ज़्यादा ये सर्टेनिटी दिखाएगा, कैसे, जैसे कि ये तीन बिंदु हैं, इससे कौन सी आपकी आकृति बनेगी, तो आप आगमन तर्क करेंगे, तो आपने बिंदु देखा आपके सामने, हमने रखा कि आप ऑब्जर्वेशन करिए, एक पैटर्न बनाइए, एक हाइपोथेसिस बनाइए, फिर आप कंक्लूजन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सीधे ये बना लिया। अब देखिए एक मैंने तो ये बना लिया, आपने बनाया ट्रायंगल, मैंने बनाया सर्कल, प्रोबेबिलिटी क्या हुए, कई चीज़ें हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बिंदु दिया ये। अब बनाइए पैटर्न, तो आप क्या बनाएंगे, एक दो तीन, अब बनाइए सर्कल, सर्कल बना सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आपका, जितनी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा क्या आपका बनेगा तो सर्कल, लेकिन ये पॉइंट छूट रहा है, अब ज़्यादा करेंगे यहाँ चपक जा रहा है, तो बना सर्कल नहीं, इससे क्या बनेगा, आपका ट्रायंगल बनेगा। अगर इस प्रकार की आपकी आकृतियाँ दी कि एक बिंदु है, ये दो बिंदु है, तो नेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा, तो हम एक परिकल्पना बनाएंगे कि हाँ तीन बिंदु हो सकता है। तो इस प्रकार के जितने भी रीजनिंग होगी आपकी प्रायिकता, मोर डाटा मोर सर्टेनिटी, मतलब जितना ज़्यादा डाटा उतना ज़्यादा निश्चितता आएगी, तो वो आपका आगमन तर्क हो जाएगा, ठीक है। अब निगमन तर्क में क्या देखेंगे, अब जितना, जैसे कम आपने डाटा रखा तो वीक होगा और ज़्यादा डाटा रखा तो स्ट्रांग होगा, तो ये हो गया आपका आगमन तर्क। जब हम क्या करते हैं, विशिष्ट पहले और सामान्य या सिद्धांत, जो सामान्य, जो सब पे सामान्य है, सब पे लागू है, वो बाद में देते हैं, या ज्ञात पहले अज्ञात बाद में देते हैं, ठीक है, इस प्रकार के सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो वह आपका क्या हो गया, आगमन तर्क हो गया। अब इतना समझ में आया, अब हम पढ़ेंगे निगमन तर्क। अब क्या कहें इसमें निश्चितता, जैसे पहला स्टेटमेंट है सभी महिलाएं अच्छी नहीं अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है, एक आधार वाक्य। दूसरा आधार वाक्य क्या है, ज्योति महिलाएं, गाली मत दीजिएगा, एग्जांपल ले रही हूँ, अभी खराब कर दूंगी तो महिलाएं गाली देंगी, और यहाँ खराब कर मैं आप खुद को कर सकती हूँ, महिलाओं को नहीं। तो यहाँ पर देखिए सभी महिलाएं अच्छा पढ़ाती हैं, ज्योति एक महिला, तो ये आपका क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ दो, आपका आधार वाक्य। अब कंक्लूजन क्या निकला, ज्योति अच्छा पढ़ाती है, तो ये सर्टन है, अगर यहाँ पे सभी महिलाएं खराब पढ़ाती हैं तो, और ज्योति भी एक महिला है, तो ये खराब पढ़ाई, तो देख रहे हैं, अगर आपका सिद्धांत कि सभी के ऊपर सामान्य पहले फिर विशिष्ट, सिद्धांत पहले फिर उदाहरण, यहाँ क्या था, उदाहरण पहले था फिर सिद्धांत था, ठीक है, इस प्रकार के अगर आपको रीजनिंग दे तो ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग है, आप इसको स्टडी करिएगा, अच्छे से समझिएगा, जब आपके पास अवलोकन करने के लिए पहले आ जाए, आप ऑब्जर्व करें, पैटर्न बनाए, परिकल्पना बनाए, तब वो आपका आगमन तर्क होगा, और अगर आपके सामने पहले सिद्धांत दे दिया जाए और बाद में आपको क्या किया जाए, बाद में ऑब्जर्वेशन करके आप कंक्लूजन निकालें, यहाँ पे सिद्धांत दिया, हमने दूसरे वाक्य से क्या किया, यहाँ पे एक परिकल्पना बनाई, लेकिन कंक्लूजन फिर निकला, पहले ऑब्जर्वेशन नहीं था, पहले हमारा सिद्धांत था, तो इस प्रकार की रीजनिंग आपकी क्या होगी, डिडक्टिव रीजनिंग होगी, यही है आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग।